अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सहारनपुर के जिला अध्यक्ष विमल विरमानी की मौजूदगी में सैकड़ों व्यापारियों के साथ माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान के माध्यम से भारत सरकार को ऑनलाइन ट्रेडिंग और अपनी विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। आज ये हाँ जी ज्ञापन हमारे द्वारा एक ज्ञापन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा दिया जा रहा है। सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, हमारे सहारनपुर के सांसद जनाब फजलुर रहमान जी के द्वारा हमारे पास उनके पास ज्ञापन भिजवाया जा रहा है। सामान्य प्रधानमंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आपका ध्यान विदेशी कंपनियों जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट आदि द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा फुटकर व्यापार की तबाही की ओर दिलाना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप फुटकर व्यापारियों की व्यथा पर ध्यान देंगे। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा देश के लगभग 5 करोड़ फुटकर व्यापारियों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। आज से लगभग 400 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और भारत 200 वर्ष गुलामी की जंजीरों में रहा, इसका इतिहास गवाह है। आज विदेशी अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भारत के फुटकर व्यापार को बंद कराने पर लगी हैं। इनकी मजबूत आर्थिक स्थिति, राजस्व की चोरी तथा एफडीआई के नियमों की अवहेलना कर भारत के फुटकर व्यापार को चौपट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दवाइयों पर ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाई, इसी प्रकार ऑनलाइन ट्रेडिंग पर नियामक आयोग बनाया जाए तथा एफडीआई पर नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। भारत एक बहुत बड़ा फुटकर बाजार है, सभी विदेशी कंपनियों की निगाहें इस ओर हैं। भारत का फुटकर व्यापार पहले से ही चीनी सामानों से अटा पड़ा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काफी समय से फुटकर व्यापार को बचाने हेतु आंदोलित है। यदि इस पर तत्काल अंकुश न लगा तो भारत का फुटकर व्यापार समाप्त होने से करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी की मन की बात करते हैं, हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप फुटकर व्यापारियों के मन की बात सुनेंगे। जैसा कि आपने आरसीईपी के मामले में राहत दी, हमारी आपसे फुटकर व्यापार बचाने हेतु निम्न मांग है। नंबर एक, ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों के लिए नियामक आयोग बनाया जाए। नंबर दो, ऑनलाइन ट्रेडिंग पर राजस्व की चोरी रोकी जाए। नंबर तीन, फुटकर व्यापार को बचाने हेतु ऑनलाइन ट्रेडिंग पर प्रभावी नियमावली बनाई जाए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आपसे फुटकर व्यापार को बचाने हेतु न्याय की अपेक्षा रखता है। तो ये हमारे सब लोग हैं, सभी साथियों के नाम इसमें दिए हुए हैं।